Jai Hind aspirants, I hope you all are doing well. So here I am with the current affairs of 22nd of October 2023. So let's move ahead and let's see what's there in today's news. So the first news says that 10 billion snow crabs disappeared from the eastern Bering Sea. So if you talk about the snow crabs, they are one of the species which live in those extreme conditions. If you talk about the Bering Sea, so there the temperature is extremely cold. And if you talk about the temperature over there, it is always below 4 degrees Celsius. So from 2018 to 2021, Eastern Bering Sea, जो कि अलास्का के कोस्ट से रशिया के कोस्ट तक आता है, वहां पे हम देख पा रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, 10 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो डिसअपियर हो चुके हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट, दिस इज द एवरेज साइज ऑफ अ स्नो क्रैब. एंड दिस सडन डिक्लाइन, ये जो है, ये इसको बोला जा रहा है कि 2021 के बाद से अपने रिकॉर्ड लो उसमें है. तो अभी आप बेरिंग सी की बात करो, तो बेरिंग सी में पहले भी ऐसे इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होते थे, पहले भी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह होती थी. बट ये जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है, इसके पीछे क्या चीजें हैं, कैसे मरीन इकोसिस्टम्स का बैलेंस बिगड़ रहा है, या फिर किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज इनकी पॉपुलेशन को कम कर रही है, उसको फर्दर हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. तो इस पर्टिकुलर न्यूज से हमें दो चीजें जानने की जरूरी है. तो बेरिंग सी क्या है? तो बेरिंग सी अगर आप जानो तो ये एक इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी है, जो कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अलास्का है उसके, और कामाचटका पेनिनसुला और फार ईस्ट रीजन जो रशिया का है. कामाचटका पेनिनसुला की अगर आप बात करो, कामचटका पेनिनसुला या कामाचटका पेनिनसुला जो भी आप बोल दो, इट इज फेमस फॉर द कामचटका बियर्स एज वेल. इट इज वन ऑफ द स्पेसीज ऑफ बियर्स विच आर फाउंड इन रशिया, एंड इट इज सराउंडेड बाय द अलूशियन आइलैंड इन द सदर्न पार्ट. अगर ज्योग्राफिकल फीचर्स आप देखो बेरिंग सी के, तो इसके सदर्न एंड पे आपको चुकची सी मिलता है और बेरिंग स्ट्रेट भी मिलता है. बेरिंग स्ट्रेट इज अ स्ट्रेट विच सेपरेट्स अलास्का फ्रॉम रशिया. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सी, इट इज डिवाइडेड इंटू टू मेन सेक्शंस, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अलोंग एक, और एक डीपर एरिया अलोंग द साउथ वेस्टर्न पोर्शन, जहां पे हमें एलुशियन आइलैंड मिलते हैं. और डीप पोर्शन को तीन बेसिन्स में डिवाइड किया जाता है, एलुशियन बेसिन, बावर्स बेसिन और कमांडोर बेसिन. बावर्स बेसिन की बात करें तो वो बेरिंग सी का डीपेस्ट पॉइंट है, और इसको दो सिग्निफिकेंट रिवर्स आके सींचती हैं, अनंडायर्स रिवर और यूकॉन रिवर. और ये जो रिवर्स हैं, वो बेरिंग सी के मरीन इकोसिस्टम को, वहां की इकोलॉजी को काफी हैवी मात्रा में इफेक्ट करती है. अब हम देख लेते हैं मैप में ये कैसा दिखता है. तो ये बेरिंग सी है, ये यहाँ पे आप नॉर्दर्न पार्ट में चुकची सी देख पा रहे हो, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप अलास्का देख पा रहे हो, यहाँ पे आप कामाचटका पेनिनसुला देख पा रहे हो, यहाँ पे आप एलुशियन आइलैंड्स देख पा रहे हो. दिस वाज अबाउट इट्स ज्योग्राफी, एंड दिस न्यूज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर जीएस पेपर 3. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट धोरबो विलेज इन गुजरात, इट हैज बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO. अब UNWTO क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कि इसके बारे में पूरी चीज बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. बट ये जो प्रोग्राम है, 2021 में लॉन्च हुआ था, और ये बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव के तहत आता है. तो रूरल डेवलपमेंट के लिए इसका काफी सिग्निफिकेंस है. ये रूरल एरिया में डेवलपमेंट को और इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, डिपॉपुलेशन को एड्रेस करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा जब से शहरीकरण बढ़ा है, अर्बनाइजेशन बढ़ा है, तब से रूरल एरियाज की पॉपुलेशन सिटीज की तरफ माइग्रेट करती है. तो उसको एड्रेस करने के लिए, इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए लोकल कम्युनिटीज के अंदर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है. तो ये इनिशिएटिव जो है, विलेजेस के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है, टूरिज्म से रिलेटेड, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की जो भी चीजें, उसको ये बढ़ावा देता है, उसको यह रिकॉग्नाइज करता है.
धोर्दो विलेज की अगर हम बात करें तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। और इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस चीज को अप्रिशिएट किया, इस चीज को सराहना दी है कि इस विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज बोला गया है बाय UNWTO। अब यहाँ पे देखो यूनाइटेड नेशंस भी है, WTO भी है, तो ये है क्या बेसिकली? आज जानते हैं UNWTO के बारे में। तो ये यूनाइटेड नेशंस और WTO का कोई मेल मिलाप नहीं हुआ यहाँ पे। ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में बनी थी, और उसका काम है कि सस्टेनेबल, रेस्पॉन्सिबल और यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म को प्रमोट करना। अब ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज्म, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, टूरिस्ट प्लेसेस में जाके लोग ABC लव्स XYZ लिख के आ जाते हैं, तो उस तरह की चीजें ना हो। कोई टूरिस्ट आके वैंडलाइज ना करे किसी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को, या वहां पे लिटरिंग ना करे, या इस तरह की चीजें ना करे, या टूरिज्म इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि वहां का लोकल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो। तो इस तरह की चीजों को इम्प्लीमेंट करना इनका काम है। इसमें टोटल अभी 159 मेंबर कंट्रीज हैं, और 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, विच इंक्लूड्स अरेबिक, चाइनीज दैट इज मैंड्रिन, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर्स आर इन मैड्रिड, स्पेन। एंड इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो इसकी एक जनरल असेंबली होती है जिसमें फुल टाइम मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, और हर 2 साल में ये लोग आपस में मिलते हैं। और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसमें 35 मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। ये UNWTO का गवर्निंग बोर्ड होता है। ये एटलीस्ट एक साल में 2 बार मिलते हैं ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और इनिशिएटिव्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, इसको लाइन अप किया जा सके। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस न्यूज, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर GS Paper 3। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज फॉर टुडे, दैट इज मिलन 24। सो मिलन 22 के बाद मिलन 24 आ चुका है। तो ये इंडियन नेवी का एक इनिशिएटिव है। तो इंडियन नेवी 19 से 27 फरवरी 2024 में इस मिशन को, और यू कैन से इस एक्सरसाइज को एक्सिक्यूट करने वाली है। ये एक बायनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। बायनियल मतलब हर 2 साल के बाद, एनुअल मतलब हर 1 साल के बाद, तो वैसे ही बायनियल का मतलब हर 2 साल के बाद। देखो मैं आप लोगों को GS के साथ साथ इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ। मल्टीलेटरल मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा बॉडीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। इट वॉज इनिशिएटेड बाय इंडियन नेवी इन 1995। तो ये जो इनिशियली इसको जब लॉन्च किया गया था, तो IK गुजराल की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसके साथ इसको अलाइन करने की कोशिश की गई थी। फिर 2015 के बाद से वी हैव एक्टेड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अब वो इसका हिस्सा है। और उसके अलावा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर इनिशिएटिव का इसमें मतलब एक्ट ईस्ट और सागर, इन दोनों इनिशिएटिव को लेके इस एक्सरसाइज को अलाइन किया गया है। और इसमें हम किन लोगों का पार्टिसिपेशन कराते हैं? फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, इनको FFC भी बोलते हैं। कई बार आपने आर्टिकल्स वगैरह में देखा होगा FFC लिखा हो, तो दैट इज फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। हमारे जो नॉट सो फ्रेंडली नेबर्स हैं उनकी तरह नहीं, जो फ्रेंडली है हमारे वो आके इसका हिस्सा लेते हैं। और ये कहाँ हो रहा है? ये विशाखापट्टनम में हो रहा है। या पोस्टर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल पोस्टर है जो PIB में डाला गया था। मिलन 24 की अगर हम बात करें तो मिलन 24 में क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है? इसके 2 फेज होंगे। एक तो होगा हार्बर फेज। हार्बर फेज विल बी देयर एट द कोस्ट एंड इट विल इंक्लूड द इंटरनेशनल मैरिटाइम सेमिनार, सिटी परेड एट RK बीच, स्वावलंबन एग्जीबिशन, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज एंड द मिलन, द मीटअप ऑफ यंग ऑफिसर्स। एंड इन द सी फेस, इसमें आपके जो लार्ज फोर्स मैनूवर्स, एडवांस एयर डिफेंस ऑपरेशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशंस, इस तरह के ऑपरेशंस जॉइंटली किए जाएंगे बिटवीन इंडिया एंड ऑल द फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज विच आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। सो मिलन 22 जो है वो भी विशाखापट्टनम में हुआ था, फ्रॉम 25 फरवरी टू 4 मार्च, और उसमें 39 कंट्रीज आई थी। और ये एक्सरसाइज जो है ये काफी सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म है नेवल फोर्सेस के लिए अमंग्स वेरियस नेशन टू कोलैबोरेट एंड एनहांस देयर मरीन और मैरिटाइम कोऑपरेशन, इंटर कोऑपरेटिविटी को प्रमोट करने के लिए इस एक्सरसाइज को किया जाता है। एंड दिस एक्सरसाइज, और यू कैन से दिस पर्टिकुलर न्यूज, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सो मिलन 24 याद रखिएगा।
Moving ahead to the next news, which is going to tell you that archaeologists have discovered a very rare inscription of Alupa dynasty at Mangalore, which is near Bangalore in Karnataka. So Alupa dynasty, kafi baar hum log history padhte time chhod dete hain, to ye dekhiye aap, South Asia 600 common era mein, aapko Chera, Chola, Pandyas, Pallavas in sab ke baare mein pata hai. Alupas yahan pe hote the coastal Karnataka. So Alupa dynasty, if you talk about, it is a ruling lineage in the region of Tulu Nadu. Tulu Nadu ko Tamil Nadu se confuse mat kijiyega. Karnataka mein Kannada boli jati hai aur uske alawa ek aur language boli jati hai, that is Tulu. Tulu bolne wale regions ko Tulu Nadu mein include kiya jata tha. Nadu basically means a village, okay, or a region. So ye jo inscription abhi archaeologists ko mila hai, ye 12th century ka hai aur isme रिकॉर्डेड मेंशन है अलूपा डायनेस्टी का, और इसमें अलूपा किंग कुलशेखरा अलुपेंद्र फर्स्ट के बारे में दिया गया है, जिसमें किंग की इंट्रिकेट डिटेल्स को बताया गया है. उसके अलावा किंग के जो ह्यूमन फिगर्स हैं उनको कुलशेखरा अलुपेंद्र के आर्टिस्टिक और वॉरियर दोनों एस्पेक्ट्स को दिखाया. तो एक जो पैनल है उसमें उनको त्रिभंगी पोजिशन में दिखाया गया है. अगर आप लोगों को नाट्य शास्त्र नहीं पता तो नाट्य शास्त्र में तीन तरह के पोजेस बताए गए हैं, अभंग, अतिभंग एंड त्रिभंग. तो त्रिभंगी इज वन ऑफ द पोजिशन और द पोस्चर्स ऑफ नाट्य शास्त्र. और इसमें जो त्रिभंगी पोस्चर में या त्रिभंग पोस्चर में अलुपेंद्र कुलशेखरा को दिखाया गया है, तो उनके एक हाथ में सोर्ड है और एक हाथ में गुरानी है जो कि एक शील्ड होती है, ठीक है. And the king is also depicted seated in meditative pose as well. So warrior posture और meditative pose दोनों चीजें इसमें दिखाई गई हैं. अब cultural insights की अगर हम बात करें तो ये जो dynasty Alupa dynasty, इसमें काफी सारी चीजें आपको मिलती है सिरी कल्ट से related. So सिरी कल्ट किस से related है? Alupa dynasty से. इसमें सिरी, डालिया और चतरा जैसे elements भी दिए गए हैं जो कि उस समय का सोशल स्ट्रक्चर्स पे वैल्यूएबल इंसाइट हमें प्रोवाइड कराती है. एंड इसमें सिरी कल्ट के अलावा सोमा कल्ट भी दिखाया गया है, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 11th सेंचुरी इन गुजरात. सो इस तरह से इन दोनों कल्ट्स के प्रॉपर डिपिक्शन की वजह से ये इंस्क्रिप्शन अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है. अब कुलशेखरा अलुपेंद्र की अगर हम बात करें तो कुलशेखरा वॉज अ प्रोमिनेंट रूलर इन साउथ कनाडा. And he founded the city of Kulasekara, which is there in Mangaluru or Mangalore. And he implemented strict regulation for temple administration. और उसकी वजह से आज भी आप वहां जाओ तो temple administration काफी strict, stringent और काफी disciplined आपको देखने को मिलेगा. He was a patron of Tulu language and culture, and he played a pivotal role in preserving and promoting the Tulu heritage. और उन्होंने रूल कब से कब तक किया था? 1156 से 1215 तक. तो आप नॉर्थ में देख सको, अगर उसको कर सको तो मूलराज फर्स्ट, पृथ्वीराज थर्ड और कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश के कॉन्टेम्पररी हुआ करते थे कुलशेखर अलुपेंद्र फर्स्ट. एंड दिस न्यूज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर वन एंड फॉर योर प्रीलिम्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, इट्स द टाइम टू टेस्ट अवरसेल्व्स थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व द अपकमिंग क्वेश्चंस. The first question for today is going to ask you that the Panchi Commission report was related to. It came in 2015. So your options are center-state relations, electoral reforms, feudal federalism, creation of new state. Pause the video, think about it. And yes, you are absolutely correct. It was related to center-state relation. Iske alawa Sarkariya Commission bhi tha, jo center-state relations ke upar unhone kaafi achhi ek report bana ke di thi. And both the reports are extremely important for you if you are preparing for civil services. So if you want, you can read, you can go through the, if you are a reading enthusiast, you can go through the reports. And if you are not much into reading, so what you can do, you can just read the summary of these two reports. Moving ahead to the next question, which asked you that the second administrative reforms, the second ARC commission has produced the reports on. So it came in once again in 2015. So ethics and governance, local governance, combating terrorism, eradication of corruption. So you have to choose the correct statements. Think about it. Pause the video. And yes, your answer is absolutely correct. The correct answer to this is D. Eradication of corruption pe unfortunately koi baat nahi karta.
बाकी उसके अलावा एथिक्स एंड गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, इन तीनों की बात इस पे की गई है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू आस्क यू दैट द स्पेशल प्रोविजंस इन आर्टिकल 371 जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द स्टेट ऑफ। सो जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मिजोरम, नागालैंड। थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो एंड यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज रिलेटेड टू मिजोरम। So that's all for today, students. I hope that you all enjoyed this session, found it informative and learned something new. So at the end, as usual, I just want to say that study hard, practice hard and have a wonderful day, guys. Stay healthy, stay awesome, because you all are awesome.